हेलो व्यूअर्स, मैं ज्योति अपने गार्डन में आपका वेलकम करती हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे गार्डन के बड़े ब्यूटीफुल रोज़ेस, तो रोज़ के लिए आपको क्या करना चाहिए इस सीज़न में? जैसे अभी विंटर सीज़न स्टार्ट, जैसे कि आप सभी जानते हैं विंटर सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो मैंने अपने गुलाब की पूरी प्रूनिंग करके उस पर नीला थोथा और खाने वाले चूने का मिश्रण लगा दिया है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि कीट नहीं लगते हैं, और जब हमारी पत्तियां नई आती है तो काफ़ी अच्छी आती है और फ्लावर्स भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। देखिए दोस्तों, 10-15 दिन बाद में ये हमारे गुलाब में पत्तियां निकल आई है। कम से कम 20 दिन हो गए हमें नीला थोथा पोते हुए, तो ये 20 दिन बाद इसमें पत्तियाँ इतनी अच्छे से निकल आई है क्योंकि मैंने अच्छे से इसमें खाद दी थी, लिक्विड फर्टिलाइज़र सरसों की खली का दिया था। तो ये देखिए इसमें कलियाँ भी आ रही है। तो ये जो कलियाँ हैं दोस्तों, इसे अभी हम पिंच करके तोड़ देंगे ताकि थोड़ा हमारा प्लांट बड़ा हो जाएगा, तब इसमें अच्छे से फ्लावरिंग होगी। इसलिए जितनी भी ये छोटी छोटी कलियाँ हैं इसे अभी हम तोड़ देंगे, जब बड़ा होगा तो काफ़ी अच्छे से हमारे इसमें फूल निकलेंगे। तो ये देखिए, ये भी हम पिंच कर देंगे, ये तोड़ देंगे। ये हमारे जो रोज़ प्लांट है इसमें अब समय हो गया है वर्मी कंपोस्ट डालने का, तो हम सब में थोड़ी थोड़ी वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे। वर्मी कंपोस्ट मतलब केचुए की खाद, इसको हम डालकर प्रॉपर गुड़ाई करेंगे। वैसे तो मेरे इसमें ज़्यादा जंगली नहीं लगे हैं पेड़ पौधे कुछ भी इसमें, लेकिन फिर भी केयर करनी पड़ती है, देखना पड़ता है, तो इनकी हम गुड़ाई कर देंगे अच्छे से टूल्स से प्रॉपर। इनको भोजन की बहुत ज़रूरत रहती है, तो इसके लिए हर 15 दिन में कुछ न कुछ डालना पड़ता है। पहले मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला था और अब मैं ये वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ। फिर 15 दिन बाद में इसमें बनाना पील पाउडर डालूँगी केले के छिलकों का। उसे केले के छिलकों का दोस्तों, आप जो पाउडर डालते बनाना पील पाउडर, उसे अब जब आपके यहाँ फ्लावरिंग होने लगे उस समय डालिएगा। उससे क्या होता है कि काफ़ी बड़ी साइज़ में फ्लावर्स आते हैं रोज़ पर, और काफ़ी सारे बंच में आते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जब मेरे इसमें फ्लावरिंग होगी तब मैं आपको भेजूंगी, आप सब्सक्राइब कीजिए, तभी आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख पाएंगे। और जो कुछ क्वेश्चन आपके हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड।